अब देखो दूर दूर तक कोई नहीं दिखेगा, ये है आगे का व्यू और राइट साइड से ये देखो आप, कोई नहीं दिखेगा आपको, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है। अब जो हूँ मैं ही हूँ, तो लेट्स सी। समझ नहीं आ रहा यार ये गड्ढा किधर है किधर नहीं है। तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हुंडर। और मैं अभी हूँ अपने रूम पे, सारा चीज़ सामान वगैरह लगा दिया है और रेडी हो चुका हूँ। 8 बज रहे हैं सुबह के और निकल रहा हूँ मैं सियाचिन बेस कैंप के लिए। मैं आपको अपना रूम दिखा देता हूँ। पहले ये रूम मुझे मिला है एक डिसेंट रेट पर मुझे मिला है। और यहाँ पर लाइट की थोड़ी इशू है कि हर टाइम लाइट नहीं आता है। सुबह शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक लाइट आता है। और मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ। ये है रूम से ये दिखता है। मैं टेरेस पर हूँ और यहाँ पर मेरी बाइक है और यहाँ पर काफ़ी सारे कैंप्स हैं और काफ़ी लोग रुके हुए हैं। और वो रहा डेजर्ट वाली जगह पर जहाँ पर डबल हम कैमल्स एंड एडीवी राइड एंड ऑल होती है। तो अभी मैं निकल रहा हूँ सियाचिन बेस कैंप के लिए और लेट नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पर 1 बजे से पहले पहुँचना होता है। मैं ब्रेकफास्ट भी करूँगा उसके बाद निकलूँगा और बस यही यार। हाँ, मिलते हैं अभी सियाचिन बेस कैंप में मोटर ब्लॉक मोड पर। टिल देन बाय। तो यार अभी हम निकल चुके हैं बेस कैंप के लिए और सबसे पहले मुझे फ्यूल अप करवाना है, उसके बाद मैं निकलूँगा और वापसी के टाइम भी फ्यूल अप करवा लूँगा क्योंकि पेट्रोल 75% ही है। चल तो जाएगा, चला ही लेते हैं, वापस आके भरवा लेंगे। तो अभी हो रहा है 8:21 और टेम्परेचर बढ़िया है, धूप है लेकिन ठंडी हवा भी है। और क्या बोलते हैं, ठंडी हवा भी चल रही है, रात को बढ़िया नींद भी आई। यहाँ पे पावर सप्लाई का भी जितना आपको ज़रूरत है उतना तो मिल जाएगा। अब दिन भर आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बाकी तो यार बढ़िया जगह लग रही है मुझे, बड़ी शांति है। तो अभी यहीं चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है, जाने देंगे कि नहीं। रिक्वेस्ट तो करूँगा, इतनी दूर से आया हूँ यार इसी चीज़ के लिए, देख के जाना तो बनता है। और यहाँ पर आपको रिजॉर्ट, आपको होटल, आपको रेस्टोरेंट्स बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। मतलब पेट्रोल पंप्स भी हैं, सो नथिंग टू बी वरीड। इनको पास दे दे रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है यार, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मतलब आप देखो ऐसे पहाड़ी जगह पर सैंड, ये कितना ही मतलब हमें अजीब सी चीज़ है ना। तो वही है, अभी चलते आगे और फिर रिकॉर्ड करते हैं। अभी तो सेम रूट ही है, जहाँ जहाँ तक कल आए थे वहीं तक सेम रूट है। टिल देन बाय यार। ये ब्रिज में आने में कितना अच्छा लगता है। ये श्योक नदी है, अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि एक आर्मी का सियाचिन वॉरियर्स करेज बीइंग इन हिम। अभी मैं यहाँ से कैमरा बंद कर देता हूँ, मुझे नहीं पता कि कहाँ शूट करना चाहिए कहाँ नहीं, मुझे काफ़ी डर लग रहा है। तो मैं एक तो अकेला हूँ और कोई मुझे दिख नहीं रहा है और हर जगह आर्मी, तो मैं किसी भी टाइप का वो नहीं लेना चाहता, रिस्क टाइप का चीज़। लेट्स सी कहाँ तक जा सकता हूँ, जहाँ मुझे दिखेगा यार कुछ हमारे नेशन के लिए ये फुटेज सही नहीं है मैं कैमरा बंद कर दूँगा। और क्योंकि एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमें ऐसी कोई चीज़
नहीं दिखानी चाहिए, जो कि हमारे सोल्जर्स या हमारे नेशन के सिक्योरिटी पर बात आ जाए। अभी ये समझ नहीं आ रहा यहाँ से जाना किधर है। थोड़ा बैक करता हूँ। अच्छा, आगे एक बोर्ड है, वो देखता हूँ, फिर शायद पता चल जाए कि किधर जाना है। मैं कैमरा बंद करता हूँ यार, थोड़ा कन्फ्यूजन सा हो रहा है। मैं गूगल मैप्स पर देखता हूँ। टिल देन बाय। अभी तो मैं सुमुर करके एक विलेज है वहाँ से जा रहा हूँ, एंड आगे मतलब 50 मतलब डिस्टेंस, छोड़ो डिस्टेंस भी क्यों बोलना आपको, ठीक ठाक दूर है, ठीक ठाक दूर है। उसके बाद मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचूँगा। और काफ़ी रोड तो काफ़ी बढ़िया है यार, बीआरओ का काम है तो डाउट नहीं कर सकता कोई इंसान उनके एबिलिटीज पर। भाई डरो मत, डरो मत भाई, डरो मत। यार मैं वापस निकल रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ पेट्रोल डलवाने, क्योंकि मुझे रिस्क नहीं चाहिए किसी भी टाइप का। पेट्रोल तो हो जाएगा बट स्टिल नहीं करते हैं, वापस ही चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ नहीं आ रहा है ये गड्ढा किधर है किधर नहीं है। धीरे धीरे चलता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। डर लग रहा था यार, पानी क्यों भरा हुआ इधर। ओ भाई, दो गाय आपस में लड़ रहे थे, थोड़ा लगा कि मुझे ना मार दे तो मैं थोड़ा स्लो हो गया था। और यहाँ से बसें बहुत चल रही हैं, पता नहीं किस रोडवेज। सासुमा 45 किलोमीटर्स, यहाँ से सीधा जाना मुझे, और सारे रूट से वापस भी करना है मुझे, तो देखते हैं आगे, है ना। टिल देन बाय। ये रूट में बहुत ज़्यादा क्या, अभी तक एक भी मुझे टूरिस्ट नहीं दिखा है। जनरली यहाँ पर कोई आता नहीं है, या अनएक्सप्लोर्ड है, या अलाउ नहीं करते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन मैं जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मैं अकेला ही जा रहा हूँ, कोई मुझे ना पीछे दिख रहा है 10 किलोमीटर पे पीछे, ना 10 किलोमीटर आगे, पता नहीं यार सही जा रहा हूँ कि नहीं ये भी नहीं पता मुझे। तो बीच बीच में बोट्स दिख जा रहे, तो लग रहा है कि चलो सिविलाइज जगह होगा, एक गाड़ी दिख गई, चलो। और दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, ये सारे लोकल लाइट्स हैं। मैं कैमरा बंद करने का समझ नहीं पा रहा हूँ अभी तो। कश्मीर टू कन्या भारत इस वन, अरे भाई कितनी बार बोलोगे, ये तो फैक्ट है, इसमें कौन डिनाई कर रहा है। अभी आगे जा रहा हूँ, ये सारे सोमूर सासोमा वगैरह गांव क्रॉस करके पैनामिक, उसके बाद उसके आगे शायद मेरा डेस्टिनेशन है। तो आराम आराम से जा रहा हूँ,
एक बार गलती हो गई, पेट्रोल नहीं लिया मैंने, अब लग रहा है कि ले लेना चाहिए था। हो तो जाएगा, लेकिन एकदम कट टू कट चल रहा हूँ, तो फुल होता है तो टेंशन फ्री रहता है इंसान कि चलो कुछ दिक्कत नहीं होगी। चलो टिल दिन बाय यार, आगे कनेक्ट करूँगा आपसे फिर से, है ना, कुछ दिखेगा तो। अभी हम लोग 10,500 फीट पर हैं, तो अभी आराम आराम से चलते हैं और देखते हैं आगे क्या सीन है। टिल दिन बाय। बच्चे दौड़ रहे हैं इसीलिए मैंने कैमरा ऑन कर लिया था, दूर से बड़े अच्छे लग रहे थे, पास से भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन स्कूल के बच्चों को देखता हूँ यार तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सोचता हूँ कि कितना बढ़िया टाइम था, कितना बढ़िया टाइम था। और मैं आपको बता दूँ तो सासोमा में एक स्कूल भी है, तो एजुकेशन तो यहाँ पर भी बढ़िया है, मतलब स्कूल है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हैं, टीचर्स को मैंने देखा और स्टूडेंट्स सारे स्कूल जा रहे थे। अभी 9:36 हो रहा है, शायद यहाँ के स्कूल टाइमिंग्स डिफरेंट होते होंगे, ठंडी जगह है तो डिफरेंट होते होंगे। मैं जैकेट वैकेट पहना हूँ, बच्चे छोटे बच्चे सिर्फ शर्ट पहने हुए थे, तो जगह जगह की बात है यार। मुझे तो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स, कैफे, छोटे मोटे शॉप सब दिख रहे हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स। और बढ़िया विलेज है, बढ़िया है, मतलब सभी कुछ, मुझे मेरे हिसाब से सभी कुछ है। मैंने एक मेडिसिन शॉप भी देखा था, तो और क्या ही चाहिए आपको, स्कूल है, शॉप्स हैं, सासोमा 35 पैरामिक 21। ओके, चलता हूँ आगे और देखते हैं कब तक पहुँचता हूँ। रोड तो अभी तक बढ़िया ही चल रहा है, अब तो थोड़ा बहुत जाके लोग भी दिखने लगे मुझे, जो कि सही है। आगे कनेक्ट करता हूँ फिर कहीं कुछ बढ़िया दिखेगा तो, है ना। टिल देन बाय। और रोड यही है, स्कूल के बच्चे दिख रहे, तो ये बच्चे काफ़ी प्यारे हैं, दिस वांट अ हाई फाई, काफ़ी खुश होते हैं बच्चे। मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा कि मतलब वो हाई फाई देने के लिए, और मैं बहुत ज़्यादा बाइक पास नहीं ले जा रहा था, उसका रीज़न ये था कि बच्चे एक्साइटमेंट में अगर आगे आ गए उनको भी चोट लगेगी, मुझे भी चोट लगेगी, इसीलिए मैं दूर रह के हाथ ऐसे किया सो दैट उनको हाई फाई भी मिल जाए और सेफ भी रहे। अभी मैं पैनामिक्स पहुंचने से सिर्फ और सिर्फ 15 किलोमीटर दूर हूँ, और काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ कि मुझे कोई दिख नहीं रहा है। अभी टाइम हो रहा है 9:45, तो मेरे पास टाइम अच्छा खासा है, पेट्रोल ठीक ठाक सा है और एक्साइटमेंट लेवल बहुत ऊपर है, बट थोड़ा सा डर नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है क्योंकि यार कोई किसी बंदे को देख नहीं रहा हूँ, तो आई एम नॉट श्योर कि मैं सही जा रहा हूँ कि गलत जा रहा हूँ, इसका कोई आइडिया नहीं मुझे, बस चलता जा रहा हूँ। ये है कि पैनामिक तक पहुँचना है मुझे, इतना मुझे पता है, क्योंकि कोई दिख भी नहीं रहा है, तो क्या जाना अलाउड है नहीं है इसका समझ में नहीं आ रहा है। अभी लास्ट ईयर डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह जी ने तो बोला था कि सियाचिन बेस कैंप तक टूरिस्ट अलाउड हैं, अगर बोला था उन्होंने तो टूरिस्ट दिख क्यों नहीं रहे मुझे, या तो फिर टूरिस्ट लोगों को इंटरेस्ट नहीं होगा, या फिर शायद ऐलान तो कर दिया उन्होंने, या ऑफिशियली शायद अभी स्टार्ट नहीं हुआ होगा टूरिज्म इधर, समझ पता नहीं मुझे। चलता जाऊंगा जहां तक चल पाऊंगा, जहां तक अलाउड होगा, कोई ना कोई तो मिलेगा ही आगे, कोई नहीं मिलेगा तो आर्मी तो मिलेगी ही, तो वहीं तक जाता हूं और जैसा होगा फिर वापस आ जाऊंगा, नहीं होगा तो। और टिल देन बाय।
अभी आगे कनेक्ट करता हूँ आप लोगों से। अगर आप देखो आसपास कोई नहीं दिख रहा है, इसीलिए मैं जल्दी निकला हूँ ताकि मैं जल्दी वापस भी आ सकूँ। तो ये कोई ब्रिज दिख रहा है, अब ब्रिज से क्रॉस करूँगा, उसके बाद पता चलेगा कि क्या है, कहाँ तक जाना है। कितना ब्यूटीफुल है, ब्लैक लाइट, आई मीन लाइट क्या बोलते हैं यार उसको, ब्लैक और दूसरा कलर उसकी, लाइट डार्क यार, मतलब इतना कलर, थोड़ा कलर ब्लाइंड हूँ, हो गया हूँ, था नहीं हो गया हूँ, और इतना प्रिसाइज कलर मुझे पता नहीं है, कलर पैलेट थोड़ी हूँ मैं। तो यही है कि डिफरेंट पहाड़, डिफरेंट कलर, और ऐसा नहीं कि धूप और छाँव की वजह से ये सब, एक कलर ही वैसा है। मुझे कल लगा था शायद धूप है इधर, इसीलिए थोड़ा लाइट दिख रहा है, इधर डार्क दिख रहा है, बट ऐसा नहीं है। पनामिक 14 किलोमीटर इधर से, और बस यार मुझे अलाउ कर दे, मैं बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा घूमने फिरने में, और कुछ ऐसा गलत वीडियो रिकॉर्ड वगैरह तो बिल्कुल नहीं करूँगा। तो अच्छी आगे कनेक्ट करता हूँ आपको, बस है ना, टिल देन बाय। ये रास्ता ऐसा ही है थोड़ा सा, लेकिन इसके बाद तो बढ़िया है ना, अच्छे दिन आने में समय नहीं लगते, इससे यही दिखता है। बढ़िया रास्ता आ गया फिर से, और इधर से करीब करीब 30 किलोमीटर और मुझे चलना है। बस मैं मना रहा हूँ भगवान से कि यार मुझे बस पहुँचा दो सियाचिन बेस कैंप तक, उसके बाद मतलब कोई बीच में रोके ना, बस मैं ये मना रहा हूँ कि मुझे कोई रोके ना। आज की जगह नहीं है, इससे बहुत सारे हिस्ट्री एसोसिएटेड है, तो आप डेफिनेटली आओ इधर, आपने पढ़ा तो होगा ही, आई एम प्रिटी श्योर अगर आपने हिस्ट्री या ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो दोनों में आया होगा आपका, ज्योग्राफी में आया होगा और हिस्ट्री में आया होगा। तो पनामिक 11 किलोमीटर फ्रॉम हियर, और पनामिक तक तो अपना क्या बोलते हैं परमिट है, आगे तक जाऊंगा, कोई रुकेगा रिक्वेस्ट, अगर आर्मी पुलिस आर्मी होंगी तो परमिट दिखा के रिक्वेस्ट करूंगा, अगर लोकल पुलिस होगी, सिविल पुलिस होगी तो फिर रिक्वेस्ट करूंगा। लेट्स सी कहां तक जा सकता हूं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, बस चल रहा हूं, रिक्वेस्ट कर सकता हूं, उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, रिक्वेस्ट करूंगा कि सर मुझे इतनी दूर से आया हूँ प्लीज़ जाने दो, एक बार मुझे देखना है, देख के बस आ जाऊंगा। तो यही है कि अभी फिलहाल चलते हैं, और आगे कनेक्ट करता हूँ आप लोगों से, टिल देन बाय। बस सीधा सीधा जाना है, और बारिश शुरू हो गई है, मैं कैमरा अंदर रख देता हूँ, और टिल देन बाय। बारिश तेज हो रही है कि खबर नहीं आ रहा है, यहाँ से चलते ही जाना है अपने को, कहाँ तक चलना है मुझे नहीं पता, बट चलते ही जाना है। जैसे ही सियाचिन पहुँचूंगा फिर से कनेक्ट करूँगा, अगर वेदर ठीक रहा तो, वरना फिर आप लोगों से बाद में कनेक्ट करता हूँ, है ना, टिल देन बाय। अब देखो दूर दूर तक कोई नहीं दिखेगा, ये है आगे का व्यू, और राइट साइड से ये देखो आप, कोई नहीं दिखेगा आपको, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है। अब जो हूँ मैं ही हूँ, तो लेट्स सी, मुझे डर वो वाला डर नहीं है कि अकेला हूँ वगैरह वगैरह,
मुझे सिर्फ डर इस बात का है, दो चीज़ों का है, एक तो वेदर ख़राब ना हो और दूसरा कि मुझे अलाउ कर दे बस, मुझे कितने भी मुश्किल रास्ते से आप भेज दो बट मुझे जो देखना है अगर वो अब मैं देख पा रहा हूँ तो मुझे किसी चीज़ से डर नहीं होगा। प्रॉब्लम्स जो भी आएंगे वो देख लूँगा बट ये है कि वेदर ख़राब ना हो और मुझे सियाचिन बेस कैंप देखने को मिल जाए, बाकी मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। चाहे मैं अकेला हूँ मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। पूरे रोड में आपने जैसे देखा कि दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा, काफ़ी टाइम से नहीं दिख रहा है, तो उसकी दिक्कत नहीं है। पिरामिक 6 किलोमीटर्स, बस और सिर्फ यही है मुझे देखने को मिल जाए बस यार, बस और कुछ नहीं चाहिए अपने को। रास्ता बहुत बढ़िया है, नज़ारे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, तो डरना नहीं है। अब ये सब देख के तो डर लगता ही है लेकिन ये तो पार्ट ऑफ द एडवेंचर है। बस मैं एडवेंचर करूँ तो ठीक है, पत्थर एडवेंचर ना करें, क्योंकि अगर ये पत्थर एडवेंचर करना चालू कर दिया ना तो भाई साहब फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। एनीवे आगे चलता हूँ, आगे आपसे फिर कहीं कनेक्ट करूँगा, है ना। अगर कुछ बढ़िया इंटरेस्टिंग सा दिखा तो आई विल डेफिनेटली कनेक्ट। कीप कम एंड ड्राइव ऑन। बढ़िया बढ़िया, एक जेसीबी दिख गई मुझे लेकिन कोई बंदा नहीं दिख रहा है। हाँ एक बंदा है, लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोग हैं देखो, कितने गैया हैं, तो कोई टेंशन है नहीं। आसपास जीव जंतु होने चाहिए बस। ये देखो पेड़ पौधे भी हैं, तो क्या टेंशन, मतलब खाना हो गया, अगर फंस गया मैं कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो जाएगा, लोग हैं आसपास। तो एनीवे आगे चलता हूँ, आपसे बाद में कनेक्ट करता हूँ। और आप ये ब्यूटीफुल सा आर्ट देखो, पता नहीं किसने ड्रॉ किया भाई साहब, जिसने भी ड्रॉ किया है एकदम 3D इफेक्ट दे रहा है। पता नहीं ये असली माउंटेन है कि ये पिक्चर ड्रॉ किया है किसी ने, गॉड नोज, लेकिन क्रेजी भाई, मतलब बहुत बहुत अल्टीमेट दिखता है। अब ये रास्ता बंद है, यहाँ से ये रास्ता थोड़ा सा बालू में चलाना, ओ भाई साहब ये थोड़ा चलता हूँ आगे कनेक्ट करूँगा, है ना। सासोमा पहुँच, पैनामिक पहले पहुँच जाऊँ, फिर सासोमा देखता हूँ, है ना। टिल देन बाय बाय। सिंप्लिसिटी इज़ द पीक ऑफ सिविलाइजेशन, क्या बातें लिखता है भाई, बीआरओ कहाँ से लाता है यार। एनीवे आगे कनेक्ट करता हूँ, टिल देन बाय। यार पैनामिक तो मैं क्रॉस कर चुका हूँ और अभी सासोमा की तरफ जा रहा हूँ। सासोमा अराउंड 15 किलोमीटर्स दूर है और यहाँ पर कुछ अब ये है कि ये देखो कितना ब्यूटीफुल है यार, इतना पानी कौन देता होगा इधर। पॉटी है, मतलब कोई जानवर आता है, मतलब ठीक है, मतलब चलता फिरता जगह है। और रोड सासोमा 13 किलोमीटर्स, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है मैं बता नहीं सकता हूँ। सैंड ड्यून्स, पहाड़, ये कलरफुल फ्लावर्स और इतना बेहतरीन रोड, इतना अच्छा वेदर, और क्या चाहिए आपको। नेचर कितने पास है आप, कि मैं इतना नेचर के पास हूँ कि मैं बता भी नहीं सकता हूँ। चिड़िया तो ऐसे चल रही है जैसे रोड क्रॉस करी जा रही है। तो अभी चलते हैं आगे, कैमरा बंद कर देता हूँ। आई गेस कुछ तो आ गया है और अभी जा रहा हूँ मैं आगे की तरफ। लेट्स सी कहाँ तक जा पाता हूँ, थोड़ा सा अब ज़्यादा डर लग रहा है। रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि इतनी दूर आ गया हूँ, क्या मुझे जाने देंगे कि नहीं, सिर्फ ये वजह है और कुछ नहीं। लोग काफ़ी दिख रहे हैं, अब घर है, स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल देखा मैंने, तो मुझे नहीं लगता कि ये अनसिविलाइज जगह है। वो देखो शेर जैसा कुत्ता। एक बंदे मिले थे मुझे गुजरात से, दमन से, मुझे मनाली रोड पर मिले थे, चंडीगढ़ टू मनाली हाईवे पर। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने बोला था मैं जंस्कार करूँगा एंड देन जंस्कार से पूरा हानले वगैरह करके वापस जाएंगे।
बट उनको ले में कुत्ता काट लिया, तो जिसकी वजह से वो अपने प्लान को वहीं पर ड्रॉप करना पड़ा। मतलब उन्होंने संस्कार कर लिया था, संस्कार करने के बाद जब ले पहुंचे तब उनको कुत्ता काटा, तो वो वापस चले गए। बट क्या कर सकते, जब से उन्होंने बोला ना कुत्ता काट ले, तब से मुझे थोड़ा डर लग रहा है कुत्तों से कि यार मुझे भी ना काट ले, क्योंकि मेरा ट्रिप तो अभी शुरू हुआ है। तो यही है, आगे देखता हूँ क्या सीन है। अभी कैमरा बंद करता हूँ, आगे फिर कहीं कनेक्ट करूँगा। आफ्टर विस्की ड्राइविंग रेस की 709 किलोमीटर, व्यू देखो आप कितना ब्यूटीफुल है। ओ भाई, बोलते ही रास्ता नज़र लगा दी। अच्छा कोई नहीं, चलो कनेक्ट करते हैं आगे, है ना। टिल देन बाबा यार, ये देखो दूर तक कोई नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं है दूर तक। और पीछे भी कोई नहीं, अगर आप साइड मिरर पे देख रहे हो तो, अगर आपको दिख रहा हो, कुछ नहीं है। अब यहाँ से 709 किलोमीटर्स, सियासी में इसका 52 किलोमीटर्स। ओ भाई, आई डोंट थिंक मैं कर पाऊंगा फिर, लेट्स सी। चलिए कैमरा बंद करता हूँ, थोड़ा टेंशन हो गया यार, क्योंकि पेट्रोल ज़्यादा है नहीं, 52 किलोमीटर्स दिखा रहा है यहाँ से, तो लेट्स सी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। टिल देन बाय यार।